हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और अभी मैं जा रहा था बलिया, तो बीच में पड़ा ये डी मॉट शॉपिंग मॉट, तो सोचा मैंने कि आज इस वीडियो की शुरुआत यहीं से की जाती है। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर, मैं दिखाता हूँ अंदर से ये शॉपिंग मॉट है कैसा है कैसा नहीं। अभी बच चुके हैं शाम के करीबन 5, और देखते हैं पता नहीं परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं। ये ना कुछ बाहर से ऐसा है, रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहाँ से? यूट्यूब के लिए, इंटरनेट के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे सारी खाने वाली चीजें, चाय पत्ती है, जूसेस हैं, ये चीजें अच्छी हैं। ये सांझ है, हर्षे सिरप्स, कुल्फी, हनी, इसका सूप, इसकी मुझे सख्त जरूरत है। अभी देखते हैं लेना होता है या नहीं लेना होता है। फेस वॉश वगैरह है, इतने सारे फेस वॉश, सर्फ है। बेसिकली देखा जाए तो ये जहाँ पे जितने भी सामान है वो घर से रिलेटेड वाले हैं। शैम्पू है, तेल है, फेस वॉश है, क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। आज ये थोड़ा इधर तेल भी है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे सारा का सारा घर का सामान है। दाल भी है अरहर की, जो कि 92 रुपीज़ के जी है। चीनी है 40 रुपये, और ये नमकीन वगैरह है बिकानों पे 25% ऑफ। न्यूट्रेला, जैसे कि आप बड़े बड़े शहरों के अंदर शॉपिंग मॉल्स के अंदर देखते हैं खाने की चीज़ें होती है, ठीक उसी तरीके से। लेकिन जैसे बलिया के अंदर जितने भी मॉल्स हैं वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, कपड़े देखने को मिलेंगे और ग्रोसरी वगैरह देखने को मिलेगा, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे आपको जितने भी घर से मसाले वगैरह, तेल, नमक, और ये वाला सेगमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये सब चीज़ें आपको जल्दी बलिया में ढूंढने से नहीं मिलेंगी। मसाले की काफ़ी अच्छी वैरायटी रख रखी है इन्होंने। बेस्ट है चिकन मसाला, कैश मसाला, बेसन, टाटा का बेसन भी है, 64 रुपीज़ का है। सत्तू, कोकोनट पाउडर, अच्छा ये मैदा है, हाँ सूजी है, अच्छा इसमें आधा किलो में भी है ये है, अच्छा ये आधा के जी है क्या? वैरायटी काफ़ी अच्छी रख रखी है यहाँ। हाँ मैगी, इसके अंदर आप गर्म पानी करके डाल के इसको खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट वाला सेक्शन है, अंजीर है,
जो ग्राउंड सेगमेंट है वो है आपको सारा का सारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलेगा या फिर खाने की चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा सेकंड फ्लोर पे क्लोथ्स है, वो एक बार मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है,